गाइस, दिस इज शालू एंड यू आर वाचिंग शालू ब्यूटी एंड फैशन, जहां मैं बात करती हूं ऑल अबाउट ब्यूटी लाइफस्टाइल डीआईवाई स्टाइलिंग वीडियोस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। गर्मियों की शादियों से रिलेटेड मैंने एक जो है वीडियो अपलोड कर चुकी है, दिस इज सेकंड सीरीज। सो अगर मेरे दिमाग में आगे भी कुछ आया तो मैं लाइक इस सीरीज में ऐड करूंगी। सबके पास में विंटर के लिए कुछ जरूरी कपड़े होने चाहिए, सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए, हर एक मौसम के लिए हमारे पास कुछ बेसिक एसेंशियल कपड़े होने चाहिए, जिसे आप एन नंबर ऑफ ए मिक्स मैच करके स्टाइल कर सकते हो। एंड गर्मियों के लिए आपके पास कुछ कपड़े एंड कुछ एसेसरीज होने चाहिए, टाइमलेस टाइम तक इसे आप स्टाइल कर सकते हो। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब समर्स आते हैं तो सबसे पहले हम सबके वार्डरोब में कुछ कॉटन के दुपट्टाज एंड स्कार्फ रहने चाहिए। अगर आप वेस्टर्न पहनना पसंद करते हो, सिर्फ कुर्तीज पहनना पसंद करते हो एंड यू डोंट वांट टू कैरी दुपट्टा, आप दुपट्टा कैरी नहीं करना चाहते हो, तो उसके साथ में आप स्कार्फ को स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि स्कार्फ आपकी स्टाइलिंग में एक वर्सिटैलिटी लेके आता है, एक स्टाइलिंग एलिमेंट ऐड करता है, आपकी बोरिंग कुर्ती को इंस्टेंटली जाजब करता है। तो आपके पास में कुछ अच्छे स्कार्फ, एंड अगर आपको समझ में नहीं आते कि किस तरह के स्कार्फ आपके पास होने चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि लाइक समर के लिए आपके पास में कुछ जॉर्जेट, सिफॉन, कॉटन, इस तरह के फैब्रिक आप चूज़ कर सकते हो। आप सैटन भी रख सकते हो, कॉटन मिक्स सैटन जो आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दुपट्टाज, तो कुछ बेसिक दुपट्टा, कॉटन के कुछ बेसिक दुपट्टा लाइक आप न्यूट्रल कलर, बेज कलर में या फिर वाइट में, ब्लैक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे आप अपने मोस्ट ऑफ द कुर्ताज या फिर सूट के साथ में मिक्स मैच कर सकते हो। तो ये तो हो गई पहले लाइक बेसिक एसेंशियल कि आपके पास दुपट्टा एंड स्कार्फ होनी चाहिए गर्मियों के लिए। सेकंड एसेंशियल आपके पास होना चाहिए गर्मियों के लिए, आपके पास कुछ बेसिक वाइट टी शर्ट, टॉप्स, टैंक टॉप्स या फिर कुछ भी जो आपको पहनना पसंद हो वाइट कलर में। मैं आपको बोलूँगी कि इन अभी जो मैंने आपको मेंशन करा, लाइक आप शर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप टॉप में, टी शर्ट में या फिर टैंक टॉप में, कैमिसॉल, इस तरह के लाइक वाइट कलर के आप कुछ अपने वार्डरोब में आप प्लेस दो, क्योंकि वाइट मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ कि हर एक कलर का जो बेस होता है वो वाइट को मिक्स करके बनता है। सो इसीलिए वाइट हर एक कलर के साथ में बहुत ही एफर्टलेसली लाइक मिक्स मैच हो जाता है एंड नो डाउट बहुत अच्छा लुक देता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि चाहे आपके पास किसी भी कलर का कुछ हो चाहे ना हो समर्स के लिए, बट वाइट आप जरूर वाइट में इन्वेस्ट करें, चाहे वो वाइट कुर्तीज हो, टैंक टॉप हो, शर्ट हो, पैंट हो, ट्राउजर हो, कुछ भी आपके पास वाइट मस्ट हैव है, नॉट ओनली फॉर समर्स, विंटर्स, ऑटम्स, हर एक लाइक सीजन के लिए वाइट इज अ मस्ट हैव इन योर वार्डरोब। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेसिक एसेंशियल फॉर अ समर, दैट इज मैक्सी ड्रेस। यस, आप मुझसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते हो जब बात समर्स की हो, एंड हम समर्स में जब कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम स्टाइलिश भी ना चाहते हैं, यू शुड इन्वेस्ट इन मैक्सी ड्रेसेस, क्योंकि मैक्सी ड्रेसेस को आप अपनी लाइक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो। अगर आपको उसको प्रॉपर सूट का लुक देना है, आप इंस्टेंटली लाइक उसमें चूड़ीदार एंड लेगिंग्स एंड दुपट्टा को ऐड कर सकते हो। इफ एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा सूट में क्लासीनेस चाहिए, यू कैन पेयर विथ प्लाजो पैंट, सरारा, गरारा। एंड अगर आपको थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक चाहिए, जस्ट पुट ऑन योर बूट्स, स्लीपर्स, जूतीज बहुत अच्छे लगते हैं मैक्सी ड्रेसेस के साथ। कभी आपने ट्राई किया है कि नहीं तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपके पास लाइक मैक्सी ड्रेस होना ही चाहिए लाइक समर के लिए, इसे आप बिल्कुल स्किप ना करें। एंड किस किस के पास में मैक्सी ड्रेसेस हैं एंड किस किस को मैक्सी ड्रेसेस पहनना पसंद है, मैक्सी कुर्ताज पहनना पसंद है, मुझे मैक्सी कुर्ताज या फ्रॉक कुर्ताज, अनारकली, ए लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं स्ट्रेट कट बहुत कम पहनती हूँ, अगर आप मुझे ब्लॉग पे फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा लाइक फ्लोई मैक्सी ड्रेसेस पसंद नहीं है, तो आप शॉर्ट कॉटन ड्रेसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। शॉर्ट कॉटन ड्रेसेस लाइक नी लेंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास कुछ ओवरसाइज कुर्ताज या फिर मैं बोलूँ ड्रेसेस होने चाहिए, बिकॉज ओवरसाइज कुर्ताज एक तो देखने में बहुत ज़्यादा फंकी लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एंड अगर आप उसे बाहर जा रहे हो, लाइक आप उसे घर पर पहन रहे हो, आपको बिल्कुल नाइट सूट वाली फीलिंग आएगी, बट अगर आपको बाहर जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हाउस मेकर रहती हैं उन्हें सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ता है, एंड आपको जब नीचे उतरना है बस आप उसमें एक छोटा सा बेल्ट ऐड कर लो, आपके कुर्ता को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपको अगर थोड़ी सी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जाना है, पुट ऑन योर हैट्स, योर गॉगल्स एंड यू आर गुड टू गो। सो कुछ ओवरसाइज ड्रेसेस में एंड कुर्ताज में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ओवरसाइज लाइक 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, बट मैं यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ओवरसाइज कुर्ता में
या फिर लाइक ड्रेसेस में आप इन्वेस्ट करते हो, आप जब भी बॉटम वेयर को पहनो उसमें एक स्ट्रक्चर रखो, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे बिल्कुल ढीला ढाला पहन लोगे, सी इट्स लुक गुड ऑन सेलिब्रिटीज एंड इफ यू आर टॉल हाइट गर्ल, अगर आपकी हाइट लंबी है आपके ऊपर अच्छा लगेगा, बट इफ़ यू आर शॉर्ट हाइट गर्ल या फिर एवरेज हाइट है आपकी, तो आप कोशिश करें कि बॉटम वेयर में आप जो भी पहनो उसमें आप एक स्ट्रक्चर ऐड करो जिससे आपकी बॉडी को एक फ्रेम मिले। पहले वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लग रहा हो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए एंड इफ़ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कॉटन जैकेट्स, यस कॉटन शॉर्ट जैकेट, कोटी जैकेट, कॉटन स्ट्रक, स्लीवलेस स्ट्रक या फिर बटन वाली जो कुर्तीज होती है ना, अगर इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट मोर सो आप बटन वाली कुर्तीज ले सकते हो, उसे आप एज अ स्ट्रक भी पहन सकते हो, एज अ कुर्ती भी पहन सकते हो, बट मैं आपको बोलूँ कुछ शॉर्ट लाइक कोटीज में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप इसे अपनी साड़ी के साथ में स्टाइल कर सकते हो, आप अपनी कुर्ती के साथ में स्टाइल कर सकते हो, जीन्स कुर्ती के साथ में स्टाइल कर सकते हो, जीन्स टॉप के साथ में स्टाइल कर सकते हो। सो मैं बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपको अभी जस्ट काउंट करवा सकती हूँ, बट मैं आपको बोलूँगी कि आपको एक न्यूट्रल कलर में लाइक कलमकारी प्रिंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वेरी गुड ऑप्शन। कलमकारी को भी आप डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो। एक मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा पॉपअप कलर में आप लाइक समर है तो पॉपअप कलर बहुत अच्छे लगते हैं, सूदिंग कलर भी अच्छे लगते हैं, सो आप ब्लैक एंड पिंक का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, आप स्काई कलर ले सकते हो, तो जैसे ही भी कलर पैलेट आपको अच्छी लगती है आप उसके अकॉर्डिंग लाइक जैकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है, आप हमेशा बहुत कन्फ्यूज रहते हो दैट आपके ऊपर कौन से कलर अच्छे लगेंगे, आप अपना कलर पैलेट कैसे डेवलप कर सकते हो, तो आप मुझे बताइएगा। आई हैव सच अ वंडरफुल आइडियाज इन माई माइंड। सो यही होता है ना, कभी कभी बहुत कुछ माइंड में चलता है, फिर ऐसा लगता है अरे यार मेहनत करना है, फिर इतने लोगों ने देखना है, तो या वो शायद आ जाता है। तो अगर आप ज़्यादा प्यार करोगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कि हर एक वुमन को अपना कलर पैलेट कैसे डेवलप करना चाहिए, विच कलर डू यू लाइक एंड कौन से कलर आप ज़्यादा यूज़ करोगे, ये कैसे डिसाइड कर सकते हो आप। सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर एक बहुत ही धासु वीडियो बना सकती हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेसिक एसेंशियल, किस किस को स्कर्ट पहनना पसंद है एंड किस किस के स्कूल में जो ड्रेस थी वो स्कर्ट थी लाइक थीम, तो मुझे स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली दैट फ्लेयरी स्कर्ट, तो जो फ्लेयरी स्कर्ट होती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर आप लाइक गर्मियों में स्कर्ट में इन्वेस्ट करते हो, गो फॉर प्योर कॉटन, क्योंकि जब आप फ्लेयरी स्कर्ट खरीदते हो या फिर लाइक इन्वेस्ट करते हो उसमें, सो उसमें कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप बहुत ज़्यादा अगर भारी कपड़े में लाइक भारी कपड़े का स्कर्ट लोगे तो कहीं ना कहीं वो लाइक अनकम्फर्टेबल लगता है पहनने में, तो आप बहुत ही लाइट वेटेड स्कर्ट में इन्वेस्ट करें, कॉटन स्कर्ट, जॉर्जेट स्कर्ट, क्रेप मटेरियल में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो और ऐसे लाइक लिनन इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर समर्स, अगर आपको कुछ एथनिक हैंडलूम पहनना पसंद है, कॉटन की को रिप्लेस करना चाहते हो, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन लिनन क्लोथ्स। लिनन इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन एंड दीज डे आई एम ऑब्सेस्ड विद लिनन, मुझे लाइक लिनन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मीन्स कॉटन को मैं ये नहीं बोल सकती हूँ दैट कॉटन से ज्यादा पसंद है, बट कॉटन इतना ही पसंद है, लिलेन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो समर्स के लिए। मींस देखो आप कुछ भी प्रिंट पहन लो, किसी भी कलर को चूज कर लो, बट कुछ स्कर्ट में आप इन्वेस्ट करो समर्स में, ताकि आप उसे जब मन किया कुर्ती के साथ पहन लो, जब मन किया टॉप के साथ पहन लो, जब मन किया पेपलम लाइक टॉप के साथ में पहन लो, तो बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे। बात होती है वी ऑल आर इंडियंस एंड वी लव वेयरिंग साड़ीज, तो साड़ीज के बिना हर एक वुमेंस का कबर्ड अधूरा है, चाहे आप साल में उसे एक बार ही क्यों ना पहनो। सो अगर आप समर्स में आप ऐसे हाउस मेकर हो जिन्हें घर पे डे टू डे लाइफ में साड़ी पहनना पड़ता है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो आप बिल्कुल लाइट वेटेड साड़ी आपके पास कुछ होनी चाहिए, लोगों की समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप कुछ लाइट वेटेड साड़ियाँ अपने पास रखें जिससे आपको डे टू डे लाइफ में स्टाइलिंग में ईजी हो, एंड आप इस तरह की साड़ियों के साथ में कॉटन के ब्लाउजेस को पेयर अप करें, क्योंकि कॉटन शिफॉन जॉर्जेट बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। इनफैक्ट मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप कपड़ों के टेक्सचर को कैसे मिक्स मैच कर सकते हो, क्योंकि कपड़ों का टेक्सचर मिक्स मैच होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ मैंने जो पहना हुआ है दैट इज़ रॉ सिल्क, मैंने रॉ सिल्क का कुर्ता पहना हुआ है, बट उसके साथ में जो मैंने दुपट्टा कैरी किया है दैट इज़ सीक्वेन, बट मैंने इसको इसके साथ कंबाइन करा बिकॉज द टेक्सचर इज सिमिलर सम वेयर। ये जो मेरा कपड़ा है लाइक कुर्ता जो है थोड़ा साइनी साइड पे है एंड द दुपट्टा इज ऑल्सो गिविंग दैट साइनी वाइब्स,
आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगी कि कपड़ों के टेक्सचर को आपने कैसे मिक्स मैच करना है. तो आप घर पे अगर साड़ी पहनते हो समर्स के लिए, तो आप उसके उसे कॉटन के लाइक ब्लाउजेस के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हो. तो हो गई कपड़ों की बात की किस तरह के कपड़े, कुछ बेसिक कपड़े आपके पास होने चाहिए ना. बात करते हैं कि किस तरह की एसेसरी आपके पास होनी चाहिए. अगर आप वर्किंग वुमेन हो या फिर वर्किंग वुमेन नहीं भी हाउस मेकर हो, तो आपके पास ए पेयर ऑफ सनग्लास होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, कोरोना धीरे धीरे खत्म तो नहीं बोल सकती हूँ, बट ये हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया है, शायद हम सब इसके साथ जीना सीख गए हैं. तो अगर आप बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जाते हो, शॉपिंग के लिए जाते हो, बहुत कड़ी धूप रहती है, तो आपके पास एक सनग्लास होना ही चाहिए जो आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा एंड आपके आंखों को भी प्रोटेक्ट करेगा. जो नेक्स्ट एसेसरी आपके पास रहनी चाहिए, हम सबको जूतीज पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बट गर्मियों में आप कोशिश करो कि आप बंद जूतीज की जगह पे आप कलरफुल स्लीपर को चूज करो. मींस बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के स्लीपर. ये मेरा बहुत बहुत पुराना स्लीपर है, ये मैंने अपने लाइक कोलकाता धर्मशाला मार्केट से लिया था, बट अब ये खराब हो चुके हैं. तो आप कोल्हापुरी चप्पल के साथ में, कलरफुल स्लीपर के साथ में, फ्लिप फ्लॉप के साथ में अपने जूतीज को रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट एसेसरी आपके पास होनी चाहिए, दैट इज टोट बैग या फिर झोला बैग. टोट बैग या झोला बैग समर में बहुत कूल लुक देते हैं. आप किसी भी लाइक वेस्टर्न के साथ, इंडियन के साथ पहनो, बहुत अच्छे लगते हैं. तो आपके पास टोट बैग या झोला बैग या फिर जूट बैग में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली. अभी हर साइड पे आपको जूट बैग मिल जाएंगे. तो जो हमारे हैंडलूम चीज़ें हैं उसमें आप इन्वेस्ट करो. सी, हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते कहीं 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 पर हमारा कल्चर पीछे छूट जाता है. तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि जो भी हैंडमेड चीज़ें होती है, मेरा बहुत लगाव है हैंडमेड चीज़ों से, तो उससे कंट्रीब्यूट करिए. थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव होता है, बट कहीं ना कहीं आपको भी ये सेटिस्फैक्शन देगा कि आप ने मीन्स किसी की चीज़ों बनाई हुई चीज़ों को आपने लिया है एंड आपने भी उनके प्रति कुछ कंट्रीब्यूट किया है. मैं ये नहीं बोलती हूँ वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाना चाहिए, बट यस, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कल्चर को प्रमोट करें. हाँ, ये थे आज के लाइक बेसिक एसेंशियल फॉर समर की किस तरह की क्लोथिंग एंड एसेसरीज आपके पास होनी चाहिए. आई होप यू फाउंड इट यूजफुल. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. सो यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड कोई वीडियो का रिक्वेस्ट है दैट आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. तो अभी के लिए नहीं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ. टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय. लव यू.